सुशांत और रिया की दोस्त स्मिता पारिक का बड़ा बयान। स्मिता से रिया ने कहा था कि मुझे लगता है ये मर्डर है। रिया चक्रवर्ती से दूसरे दिन भी सीबीआई की पूछताछ जारी। सुशांत की मानसिक हालत और पैसों के लेन देन पर हुए सवाल। सीबीआई से मुंबई पुलिस को चिट्ठी लेकर रिया को सुरक्षा देने को कहा। डीआरडीओ गेस्ट हाउस आने जाने पर पुलिस देगी सुरक्षा। खुद को सुशांत का दोस्त बताने वाले संदीप सिंह पर भी सीबीआई की नजर। अगले 2 से 3 दिन में सीबीआई कर सकती है संदीप से पूछताछ। सुशांत सिंह केस में संदिग्धों को सरकारी गवाह बना सकती है सीबीआई। सीबीआई के डायरेक्टर के सामने संदिग्धों को बनाया जाएगा गवाह। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई रिया समेत कुछ लोगों को का करा सकती है पॉलीग्राफी टेस्ट। पूछताछ के बाद सीबीआई लेगी अंतिम फैसला। पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए रिया और बाकी लोगों को सीबीआई दिल्ली लेकर आ सकती है। सुशांत केस के पीछे का सच जानने के लिए हो सकती है पॉलीग्राफी टेस्ट। आज सिद्धार्थ, सैमुअल, सौविक, नीरज और दीपेश से भी होगी पूछताछ। रिया के सामने हो सकती है सभी की पूछताछ। रिया के व्हाट्सएप ग्रुप पर नए ड्रग्स चैट का खुलासा। सैमुअल, सिद्धार्थ समेत कई लोगों के साथ ड्रग्स को लेकर बातचीत। आज सीबीआई सिद्धार्थ, सैमुअल, नीरज और दीपेश से कर सकती है पूछताछ। रिया की मौजूदगी में होगी ये पूछताछ। ड्रग्स केस में एनसीबी ने 2 ड्रग तस्करों को किया गिरफ्तार। जल्द ही एनसीबी कुछ और संदिग्धों को गिरफ्तार कर सकती है। ड्रग्स केस में एनसीबी जल्द कर सकती है कुछ लोगों की गिरफ्तारी। सूत्रों के मुताबिक 2 संदिग्धों को एनसीबी ने हिरासत में लिया है। सीबीआई से पहले सुशांत केस की जांच करने वाले मुंबई पुलिस के डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे कोरोना पॉजिटिव। परिवार के साथ त्रिमुखे हुए होम क्वारंटीन। ईडी की पूछताछ में जया शाह का बयान। सूत्रों के मुताबिक जया ने रिया और सुशांत को ड्रग्स देने की बात से इनकार किया। सुशांत केस में सीबीआई 2 पहलुओं पर कर रही है जांच। हत्या, खुदकुशी के लिए उकसाने को लेकर सीबीआई की जांच। 31 अगस्त को ईडी के सामने पेश होगा गौरव आर्या। वकील ने कहा गौरव आर्या पर लगाए गए सभी आरोप गलत। जम्मू कश्मीर में बीएसएफ को मिली घुसपैठ के लिए बनाई गई एक बड़ी टनल। पाकिस्तान से बनी टनल 25 फीट गहरी और 170 मीटर लंबी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में जदूरा में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। मुठभेड़ में 3 आतंकियों को किया ढेर। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को किया ढेर। 1 आतंकी जिंदा पकड़ा गया। जम्मू कश्मीर पिछले 24 घंटे में सुरक्षा बलों ने 7 आतंकियों को ढेर किया। घाटी में अब तक 155 आतंकियों को सुरक्षा बल ढेर कर चुके हैं। पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में 1 जवान शहीद। आतंकियों के पास AK-47 और 2 पिस्टल भी बरामद। जम्मू कश्मीर के बालाकोट सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी, 1 ग्रामीण घायल। भारतीय सेना दे रही है मुंहतोड़ जवाब। FATF से बचने के लिए पाकिस्तान का नाटक जारी। हाफिज सईद के 3 साथियों को जेल। अब्दुल रहमान को सिर्फ 1.5 साल की कैद। गलवान के बलवानों के पराक्रम में मारे गए चीनी सैनिकों पर बड़ी खबर। चीन में सैनिकों की कब्र का फोटो डालने वाले शख्स को जेल भेजा गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अगले सप्ताह जा सकते हैं रूस। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के सांसद इम्तियाज जलील की महाराष्ट्र सरकार को खुलेआम धमकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झांसी में कृषि विश्वविद्यालय की नई बिल्डिंग का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति कोविंद ने खिलाड़ियों को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से किया सम्मानित। 5 खिलाड़ियों को खेल रत्न। आज राष्ट्रीय खेल दिवस है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को याद किया। दिल्ली में 16,000 की नौकरी से नाखुश तक ने कंपनी के 49 लाख रुपए पर हाथ साफ किए। मुजफ्फरनगर के जवान प्रशांत शर्मा जम्मू कश्मीर में शहीद हो गए। राज्यसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवार सैयद जफर इस्लाम ने किया नामांकन। लखनऊ में गौतमपल्ली इलाके में डबल मर्डर। रेलवे कॉलोनी में मां बेटी की हत्या। यूपी में दफ नहीं किए जाएंगे तजिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका। श्रीराम जन्मभूमि ट्रस्ट ने अयोध्या विकास प्राधिकरण में दाखिल किया राम मंदिर का नक्शा। पत्रकारों पर हो रहे हमले के सवाल पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान। पत्रकारिता छोड़कर नेतागिरी करो। यूपी में नहीं थम रहा मंचलों का आतंक। मथुरा के छेड़छाड़ के दौरान स्कूटी से गिरी युवती। रामपुर में सांसद आजम खां से हमसफर रिसोर्ट को गिराने की नोटिस। यूपी के मऊ में बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के अवैध गोदाम पर चला प्रशासन का बुलडोजर। बाहुबली अतीक अहमद की 6 और संपत्तियों को प्रशासन करेगा कुर्क। प्रतापगढ़ में राजा भैया के पिता समेत 11 लोगों को नजरबंद। योगी सरकार ने 6 IPS अफसरों का किया तबादला। कानपुर में पुलिस ने बड़े जुए के अड्डे पर मारा छापा। मौके से 38 लाख रुपए भी बरामद। यूपी के मुरादाबाद में 42 साल के शख्स ने 6ठी मंजिल से छलांग लगाकर की खुदकुशी। मथुरा में चलती बस से महिला से दुष्कर्म का आरोप। 2 लोगों की कहासुनी के बीच पहुंची पुलिस ने एक युवक को बेरहमी से पीटा। वीडियो वायरल। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। हिस्ट्री शीटर हासिम को लगी गोली। यूपी के आजमगढ़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 25,000 के इनामी 3 बदमाश गिरफ्तार। बिहार एवं चुनाव को लेकर हलचल तेज। जेपी नड्डा करेंगे राज्य के सभी सांसदों के साथ बैठक।
तेजस्वी यादव का सरकार पर निशाना, कहा कोरोना और बाढ़ को लेकर नहीं किया कोई काम। बिहार में बाढ़ का पानी घटने के बाद भी नहीं हो रही लोगों की परेशानी कम। झारखंड में 30 सितंबर तक बढ़ा लॉकडाउन, कई जरूरी सेवाओं को दी गई छूट। झारखंड के दुमका में चुनाव लड़ने पर बोले बाबूलाल, कहा अब चुनाव लड़ने की नहीं है कोई इच्छा। बिहार के मुजफ्फरपुर में वाहन चेकिंग के दौरान उपद्रवियों ने पुलिस पर ही हमला किया। झारखंड में गुमला में दो भाइयों की निर्मम हत्या, बदमाशों ने कुल्हाड़ी से काटकर ले ली जान। बीकानेर में गोली लगने से घायल बच्चे की मौत के बाद बवाल शुरू। पाली के सोजत में हत्या के बाद हंगामा जारी, उपखंड कार्यालय के बाहर लोगों का धरना। एमपी में बाढ़ और भारी बारिश के बीच शिवराज सरकार का अलर्ट, सीएम शिवराज ने सीहोर होशंगाबाद समेत नर्मदा के आसपास इलाकों में किया हवाई सर्वे। जीजीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की मौत के मामले में कमलनाथ ने शिवराज को लिखी चिट्ठी। नया रायपुर में छत्तीसगढ़ के नए विधानसभा भवन में रखी गई नींव, 270 करोड़ की लागत से बनकर होगा तैयार। डीआरआई की टीम ने इंदौर में दो जगहों पर मारा छापा, चीन समेत कई देशों के हवाला के जरिए पैसे भेजने का आरोप। मध्य प्रदेश के कई जिलों में उफान पर नदियां, भोपाल से जबलपुर और नागपुर का सड़क संपर्क टूटा। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में उफनाई नदी में फंसे युवक को किया गया एयरलिफ्ट। मध्य प्रदेश के सिवनी में वैन गंगा नदी उफान पर, संजय सरोवर बांध का गेट खोले जाने पर भीमगढ़ बस्ती में घुसा पानी। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में भी बारिश और बाढ़ का कहर, शक्कर नदी पर बना पुल डूबा। यूपी के सीतापुर में गांजली इलाके में बाढ़ का कहर, शारदा नदी के कटान में कई घर नदी में समाये। यूपी के सहारनपुर में नदी में अचानक बाढ़ आने से कार बही। बारिश के बाद उत्तराखंड के कालाडूंगी में उफान पर बरसाती नाले। मेरठ में झमाझम बारिश के बाद प्रतापपुर थाने में भरा पानी, पुलिस और फरियादियों को कुर्सी और टेबल पर पैर रखकर बैठना पड़ा। कोरोना पर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बड़ी बैठक, देश में कोरोना के बढ़ते मामलों पर भी चर्चा। देश में 24 घंटे में कोरोना के 76,472 नए मरीज सामने आए हैं। देश में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 34,63,972 है, जबकि अब तक मौत 62,000 से ज्यादा। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,808 मामले सामने आए हैं, दिल्ली में 20 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में 1,81,050 संक्रमित लोग हो चुके हैं, 5,43,000 से अधिक मरीज ठीक हुए हैं। वहीं राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 78,000 के पार पहुंचा है, 595 नए केस सामने आए। उत्तराखंड में एक दिन में कोरोना के 588 नए केस सामने आए। केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,543 केस सामने आए हैं, जबकि एक दिन में 7 लोगों की मौत हुई। कोरोना से कांग्रेस सांसद एच बसंत कुमार का निधन, पीएम मोदी राहुल गांधी समेत कई नेताओं ने जताया शोक। महिला पहलवान विनेश फोगट कोरोना पॉजिटिव, अस्पताल में भर्ती। एसबीआई के नए चेयरमैन बनेंगे दिनेश खारा। प्रदूषण प्रमाण पत्र नहीं होने की वजह से खारिज नहीं कर सकते मोटर बीमा पॉलिसी का दावा। जीएस के से लैस भूमि बैंक प्रणाली की पीयूष गोयल ने की शुरुआत। भारतीय निर्यात के लिए जीएसटी बहाल कर सकता है अमेरिका। रोहित शर्मा के बचपन के कोच दिनेश लाड ने कहा, मेरा शिष्य 2023 विश्व कप में शानदार प्रदर्शन करेगा। पूर्व भारतीय कोच ग्रेग चैपल ने कहा, धोनी भारत के सबसे सफल कप्तान। इंग्लैंड दौरे पर ऑस्ट्रेलिया का पहला प्रैक्टिस मैच, चढ़ा बारिश की भेंट। कोरोना के बाद काबू में पाने की कोशिश में चीन में स्कूलों को पूरी तरह खोलने की तैयारी। अमेरिकी रक्षा मंत्री मार्क एस्पर ने के नाम के लिए चीन पर साधा निशान। वहीं हांगकांग में लोकतंत्र के समर्थक में नोबेल शांति पुरस्कार दिए जाने के खिलाफ है अब चीन। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में चीन के खिलाफ मुस्लिम समुदाय का जोरदार प्रदर्शन। हॉलीवुड ब्लैक पैंथर के एक्टर चैडविक बोसमैन की 40 साल की उम्र में निधन। टीवी एक्टर करणवीर बोहरा और टीजे सिद्धू अपने घर आने वाले हैं, घर आने वाला है नया मेहमान। वर्चुअल होगा गोवा फिल्म महोत्सव, डिजिटल माध्यमों और ऑडिटोरियम में दिखाई जाएंगी फिल्में। टीवी के चर्चित शो साथ निभाना साथिया के फैंस के लिए खुशखबरी। गाड़ी चलाते समय सिगरेट जलाना कार चालक को भारी पड़ गया। शराबी खुद तो लुढ़कते हैं, दूसरों के लिए भी मुसीबत खड़ी करते हैं, तस्वीरें देखिए। भारत ही नहीं चीन में भी पुल होते हैं धराशायी, गनीमत यह रही कि कोई हताहत नहीं हुआ। ग्रेविटी जेट सूट पहन हवा में उड़ना भला किसे पसंद नहीं, ये तस्वीरें हो रही है वायरल। वोट फ्यूल डलवाते हुए भी धमाका, बिकनी पहने महिला हवा में उछली।